सबसे पहले तो लिफ्ट से निकली ऐसे अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर से आ गए हैं वापस। आंखें आपको लग रही होंगी, पिछले चार दिन भी रेस्ट करने के बाद भी आंखें ना खुली नहीं रही हैं, तो ये मैं खोल रही हूँ आपके सामने, वरना नहीं खोल रही। तो उबान जा रहे हैं खाना खाने। मेरी तरफ से ट्रीट थी अम्मी और आसमा के लिए। चार दिन इन लोगों ने बिल्लियों को खूब देखा है, तो इसलिए बनती थी। आप लोग भी काफ़ी दफ़ा पूछ रहे थे उबान पर बूफे के क्या रेट्स हैं, आपको रेट्स भी दिखाते हैं, खाना भी दिखाते हैं, और आ जाएँ हमारे साथ फिर वीडियो देखें। ये जी, आप हमेशा पहले सुबह देखा करते थे, आज आप ये रात में देख रहे हैं, और दोनों का इत्तेफाकन कलर कम्बिनेशन भी सेम। अब हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ से खाएंगे खाना। ये जी, रात का वक्त, उबान रात का बुफे करने, दोनों के लिए ट्रीट मेरी तरफ से। जा रहे ऊपर, मज़े। ये देखें जी, आवाज़ हो चुका है। क्या दूँ? हाँ, चलिए जी, अब हमने खाना खा लिए, अब हम जो है अम्मी का रिव्यू लेने लगे हैं और कुछ सजेशंस भी। हाँ जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत अच्छा रिव्यू देने लगी हूँ, बहुत अच्छा माहौल था। माहौल मतलब मुझे तो अच्छा ही लगता है, रौनक लगती है। और बाकी ये डिशेज भी बहुत अच्छी थी। पूरी एक प्लेट में पहले खा चुकी हूँ नमकीन की, और अब मीठे की खा चुकी हूँ। तो एक चलिए जी, अब आसमा देने लगी अपना रिव्यू। कहाँ से शुरू करूँ? खाना बहुत अच्छा था, बहुत जायकेदार था। आज सुबह से मेरा दिल था पास्ता खाने को, आते ही देखा पास्ता पे पड़ा हुआ। और गुलाब जामुन वैसे मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन आज देख के दिल किया कि गुलाब जामुन भी खाऊंगी। जब मैं आई, सबसे पहले तो लिफ्ट से निकली तो आगे ऐसे लोग थे, मैंने तो वहीं से पूछी हो। मैंने बड़ी कोशिश की थी ये लोग वापस बोलने इस जंगल में ना आए, बट फिर हमें आना पड़ा। तो जब मैं एंटर हुई तो गुलाब जामुन गोल 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 कर, जब मैं लेने के लिए गई तो वो सारे पिघल गए, क्योंकि लोगों का ऐसा सैलाब आंदा था। उस तौबा, कोविड कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। फिर खाना लेने लगी, खाना बहुत अच्छा था।
बट अभी थोड़ा सा थक के बैठ गई हूँ क्योंकि लोग धक्के दे रहे थे, एक लड़की मेरे ऊपर धक्का लगाने ही लगी, तो मैंने उसे कहा पीछे देखें, और दो तीन लड़कियाँ पूरे गुलाब वो गोल गप्पे उठा के ले आई और खड़ी दरवाज़ा मैं खुली, मैं भी आगे चटान बन के खड़ी क्योंकि मुझे उनका गुस्सा था भाई इतने सारे लोग क्यों आ गए। अम्मी ने बोला, अम्मी ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है थैंक्स टू अम्मी, बट मैंने नहीं खोला क्योंकि मुझे उनका गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा रश मचा रही थी और उनकी वजह से सारी स्वीट डिशेज जो थी वो मैंने नोटिस किया कि पिघल सी गई, कस्टर्ड भी थोड़ा पिघलू, खाना नो डाउट नाश्ते की तरह बहुत अच्छा था, बट हमेशा हमें होता है कि ना थोड़ा पीसफुल से इन्वायरमेंट में बैठ के आराम से खाना खाएं, बट यहाँ आज कांटे छुपियाँ लेते हैं उसके बीच में मैंने एक ही दफा में खा लिया सब कुछ, रिव्यू के बाद जी हमारे पास आ गया है लाइम स्वीट, ये लोग पी रहे हैं, ये अम्मी के पास, और अम्मी का आ गया है मिंट मार्गरेटा, ये जी मिंट मार्गरेटा पी रही हैं, चलो ये मीठा मीठी स्कंजबीन पी रही हैं, और ये जी मेरी। अब मेरा रिव्यू, बाकी में खाना नो डाउट बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, और वही वाली बात कि सुबह मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी आते हैं, जिस तरह हमने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि 7 बजे तक से यहाँ मॉर्निंग, इसी तरह यहाँ हम सजेस्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि 8 से 11 का टाइम था और 8 बजे कोई 10 मिनट में हम एंटर हुए, सामने ऐसा जमे वीर लड़कियों का स्पेशली था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें खा जाएंगे, और जब हम खाना डालने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मुंह पिघल गया, तो आज ये हो सकता था कश्मीर के पहाड़ों में जगह पर नहीं पिघली, लेकिन मैं यहाँ पिघल सकती थी, हमने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन लोकेशन चेंज की, तो मैं इस वक्त बिल्कुल फैन के आ गई, तो जो हमारी तरफ से सजेशन है वो ये है कि एक तो ये लोग कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करेंगे, जब पता है कि इतने लोग आ रहे हैं रीज़नेबल रेट है तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम अच्छा हो, फैन ज़्यादा खरीदें, जिस तरह हमने भाई साहब से कहा तो भाई प्लीज़ एक फैन इधर लगा दें, तो भाई जान ने कहा कि वो तो बाहर लगेंगे, तो भाई जान अंदर भी तो लगा दें, तो खाना नो डाउट फिर से बात करें बहुत अच्छा आना है तो ज़रूर आए, पर मेरा है कि सुबह का नाश्ता ही करें क्योंकि रात के वक्त ना मेरा तो गिर रहा है सारा, रात में तो